चलो उठो उठो, चलो चलो उठो उठो उठो, हो गया संडे, चलो उठो उठो, कर लो उठाओ शोएब को, शोएब को उठाओ, हो गया संडे, उठो। अभी तुम्हें बोला था ना, तुम अपने व्लॉग में सब कुछ रियल दिखाओगे, तुम्हारे रूटीन्स, तो मैं बना रही हूँ व्लॉग। उठो चलो चलो उठो, गेट अप गेट अप, तुम्हारे संडे का रूटीन तुम्हें बताना था, तो ये लो, मैंने शुरुआत कैप्चर कर ली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सुबह सुबह उठ के ये सारी चीज़ें, कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे इस तरीके से सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें करूँगा, पर कोई नहीं, आपके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि अपनी डे टू डे लाइफ में आप सबसे शेयर कर सकूँ, तो आज संडे है, क्यों ना मैंने सोचा कि संडे आप सबसे स्पेंड करूँ फ्रॉम बेड टू बेड, ऐसे सुबह से लेकर रात तक। और सबसे पहले, हालांकि लोग कहते हैं आजकल हर दिन संडे है, लेकिन मेरे लिए संडे संडे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करता और डाइट नहीं करता, मैं चीट करता हूँ। तो आज सबसे पहले मैं जब उठता हूँ, सबसे पहले मैं ये कैलोरी लेता हूँ, और फिर यहाँ से मैं अपना जो है वो रूटीन शुरू करता हूँ। थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपके लिए। अब मैं ये लेता हूँ, ये है गर्म पानी विद एप्पल साइडर विनेगर, और ये हमेशा, ये हर रोज़ लेता हूँ मैं, भले मैं उस दिन वर्कआउट करूँ या ना करूँ। ये सुबह का मेरा डिटॉक्स आप बोल सकते हैं उसको, ये है। और ये देखो, ये यहाँ पे सिर्फ गर्म पानी पी रही है। क्यों, तुम गर्म पानी क्यों पी रही हो? क्योंकि मैं आई एम वेरी प्रोन टू एसिडिटी, इसीलिए जिस जो भी थोड़ा भी एसिडिक हैं वो एप्पल साइडर ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो मुझे एप्पल साइडर बिल्कुल सूट नहीं करता। और मैं गर्म पानी भी 4 दिन में एक बार जो मेरा मन करे तो मैं पीती हूँ। तुम दवाई खा ली? हाँ, अच्छा, मल्टीविटामिन्स खाओगी? खाने के बाद। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये मल्टीविटामिन्स कैसे खाती हैं। अरे यार नहीं, प्लीज शोएब, नो, आज मैं दिखाऊंगा नहीं। आपको, देखना चाहिए कि ये मल्टीविटामिन्स कैसे खाती है। मतलब नो डाउट बड़ी होती हैं वो, लेकिन उसके बाद बहुत ये बड़ी होती हैं, और मैं खाती हूँ, लेकिन गुड गर्ल की तरह मैं खाती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां मैं खाती हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि तुम नहीं खाती हो। यस, तुम खाती हो, लेकिन कैसे खाती हो वो मुझे सबको बताना है। वो भी कैसे बैठा है देखो बेचारा, उसको मुझ पे तरस आ रहा है। कर्ल चटिल क्या हो गया? को बिस्किट चाहिए चटिल क्या हुआ? भाई? नहीं, बिस्किट? अभी जब मैं चाय पीऊंगी तो तुमको बिस्किट मिलेगा। कर्ल वेट, जब मैं चाय पीऊंगी तो तुमको बिस्किट ला के, मैं टोस्ट खाऊंगी तो बिस्किट खाना, ओके? दैट चाय नहीं आई अब तक? बन रही है, मुझे ले रहे हो, आपको दिखा रहे हो। तुम्हें देखो, आप बहुत नखरे वाले हो, आपको एकदम प्रॉपर कड़ी हुई चाय चाहिए, वरना पीते ही बोलते हो आज पकाई नहीं, आज चाय पत्ती ज्यादा डालती, आज ये कर दिया, तो अच्छे से बनानी पड़ती है ना, तो पेशेंस। तो आ गई है चाय, तुम्हारी कहाँ है? डाली। तो लेके आओ, अरे पकड़ो तो सही, पहले लेके कभी आओ। अरे पकड़ोगे तो लेके आऊंगी। ये देख रहे हैं आप, गरम का नाश्ता। हाँ, मेरा उठते ही नाश्ता बहुत जरूरी होता है, वरना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, और ये लो, हमारे जनाब का नाश्ता। अरे बच्चा मेरा, इनको भी लाड़ चाहिए अरे बहुत। बच्चा, ये बुच्चा देखो, है, बुच्चा है बेबी। अच्छा, ये लो खा लो खा लो। अरे वाह वाह, आहा, अच्छा वाला बिस्किट है। वो मेरे हाथों से खाएगा। ये खाया। मैं भी खा लू, ठीक है। यस, तो अभी हो गया है, ब्रश भी कर लिया है, फैशन ऑल भी हो गया हूँ, अभी है कुछ खाने की बारी, क्या खाऊं। हालांकि 3-4 दिन से कंटिन्यू डाइट टूट ही रहा है, जब से ईद है, राखी है, फिर बर्थडे आ गया, लेकिन आज संडे है, लास्ट डे है, कल से तो फिर डाइट स्टार्ट करना है, तो क्यों ना आज भी कुछ खा लिया जाए। दीपी, जरा बैठो।
क्या खिलाने वाली क्या हालत में घूम रही हूँ मैं देखो 3-4 दिन से मैं बहुत खाया ना तो डिटॉक्स होना चाहिए तो मैं डिटॉक्स ने बोला लौकी का जूस पिला डिटॉक्स नहीं आज नहीं कल से नहीं क्यों नहीं आज नहीं आप ही कहते हो ना जब 3-4 दिन बहुत खा लिया हो तो उसके बाद नॉर्मल करना चाहिए तो वैसे भी लॉकडाउन में क्या संडे क्या मंडे क्या वेडनेसडे कर लो मैंने एग्जैक्टली यही बोला था कई लोग ऐसा बोलते हैं कि लॉकडाउन में क्या संडे क्या मंडे लेकिन मेरे लिए संडे होता है क्योंकि उस दिन मेरा वर्कआउट नहीं होता है तो क्या चाहिए आपको बताओ मेरे पास तो यही ऑप्शन है आज मेरा दिमाग ग्रीन टी पी लो ओट्स खा लो लौकी का लौकी रखी हुई लौकी का जूस दे देती हूँ और जब कुछ ना बने तो फिर माँ की याद आती है अम्मी पूछो तो जाता हूँ फिर मैं अम्मी के पास अब को मैसेज करता हूँ क्या बनाया वहाँ कुछ ना कुछ तो बना होगा पक्का नहीं खिलाई पक्का ठीक मेरा भी संडे में आराम करूँगा वैसे भी हमारे घर का रूटीन है कि हर संडे हम अम्मी के पास कुछ खाने के लिए जाते हैं क्योंकि पूरा हफ्ता ये डाइट करते हैं जो इस हफ्ते नहीं कि पूरा हफ्ता ये डाइट करते हैं तो ये कुछ बहुत स्ट्रिक्ट खाते हैं तो यूजुअली हम अम्मी के पास खाना नहीं खा पाते इसलिए संडे को अम्मी के पास खाना खाया जाता है तो जाइए नीचे अम्मी के घर पे आ गया हूँ नॉर्मली इस टाइम में वर्कआउट करता हूँ तो मैं शाम को आता हूँ लेकिन आज संडे संडे के दिन हम लोग ऐसे बैठते हैं गपशप करते हैं और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैंने अभी छोले चावल खा लिए और मैं उसका व्लॉग बनाना भूल गया हूँ तो अभी ये देखो ये भी कैसे यहाँ बैठ के हंस रही है बहुत ज़्यादा संडे टाइम तो अभी वो हो गया है बट कोई नहीं अभी रात का जो है डिनर वो बचा हुआ है तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या खाया तो अभी फिलहाल मेरे हाथ में फिर से चाय है खाने के बाद मैं एक चाय लेता हूँ तो फिर से चाय अभी हम चाय पी रहे हैं तुमने पी ली चाय नहीं मैं नहीं पी क्यों अम्मी हो गई नमाज हाँ, हो गई क्या कर रही हो अभी तस्बीह तस्बीह पढ़ रहे थे दुआ कर ली किसके लिए सबके लिए पूरी दुनिया के लिए सबके लिए तुम्हारे लिए सबके लिए चलो क्या बात दोस्तों के लिए जितने सबके लिए चलो क्या बात है अल्लाह दुआ कबूल करे तो अभी चाय हो गई है और आज क्योंकि संडे है तो कुछ चीट करने का भी मन है और क्योंकि आज आखिरी दिन है चीट करने का कल से मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करनी है तो मैंने बोला है कि मुझे खीर पूड़ी खानी है और खीर पूड़ी की तैयारी चल रही है किचन में दीपिका बना रही है लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिलहाल अभी आराम के मूड में हूँ और मेरे साथ ये भी है अर्जुन कुछ बोलोगे आप अरे मुंह घुमा लिया इसने चलो आज दिखाते हैं किचन में क्या चल रहा है क्या करें दीपी खीर पूरी आपकी फरमाइश है वो बना रही अच्छा मेरी फरमाइश तो ऐसे बोली जैसे तुम तो खाओगी नहीं नहीं देखो किसको पसंद है खुद का मन था खुद का भी उतना ही मन था खाने का मेरा खीर पूरी खाने का बहुत मन था तुम ठीक है ना तो ये और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ हाँ रेसिपी आपको दीपिका की दुनिया में मिलेगी और ये तो ये आपने देखा कि किस तरीके से खीर और पूरी की तैयारी चल रही है और दीपिका अपना ब्लॉग भी शूट कर रही है साथ में तो हम अभी आराम कर रहे हैं कुछ देर हाँ क्या ये टेस्ट करो क्या है ये अरे खीर जो बना रही हूँ वो टेस्ट करके बताओ सही है कि नहीं एक ये ड्यूटी भी होती है पता है कि जो बन रहा है उसको टेस्ट करना है ठीक है रुको 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 कुछ मीठा कम ज्यादा नहीं ठीक है मेरे थोड़ा और पकाओ थोड़ा सा ज्यादा नहीं बहुत अच्छा है हुआ लेट हो गया बहुत हो गया हाँ लाओ 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 भूख लगी है बहुत जोर से ये आ गया खाना हमारा आज का खीर पूड़ी आय है बड़ा ही टेम्पटिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा चलिए इसे खाते हैं अभी हाँ तुम खाओगी हाँ, पहले आप खाओ जल्दी से अच्छा ठीक है पहले मैं खाता हूँ जल्दी से क्या बात है वाह ये होता है सेटिस्फेक्शन चीट डे का एक्चुअली चीट डे का नहीं हमारे तो चीट वीक चल रहा है लास्ट डे ऑफ चीटिंग का तो कल से एक हफ्ते के लिए सब कुछ नहीं तो आज जी भर के खा लिया जाए ए, मैं गरम गरम और पूरियां बना दूं तुम नहीं खा ली अभी मैं एक पूरी चिपका चुकी हूँ कि मुझे बहुत देख रहे हैं आप देख रहे हैं तो मैं गरम गरम और पूरियां बनाती हूँ आप खाओ वैसे बहुत अच्छा बना है हाँ तो अभी पूरी हो चुकी है ख़त्म और भूख अभी लगी और तो और लेके आते हैं चलिए
आप भी साथ में चलिए दिखाते हुए। दीपी पूरी और चाहिए? यस, ये देखो यहाँ पे ये बन रहा है। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी जल्दी बना रही हो। मैं थोड़ी नई शेफ हूँ। नहीं, क्योंकि मेरे दिल से पूछो ना कि एक दो दिन में जो मेरी हालत हुई है ना, जिस तरीके से, सच में यार मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि सच में घर की सारी लेडीज को जो पूरा किचन संभालती है, फिर घर भी संभालती है, फिर अपने से बड़ों का छोटों का ख्याल भी रखती है, उन सबको बहुत सारा रिस्पेक्ट। और सच में हमारे बस की नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप लोग की तरह प्रो नहीं हो सकते। हम लोग कोशिश कर सकते हैं बस। चलो नेक्स्ट टाइम खीर पूरी। नहीं, फिलहाल एक साल नहीं। फिलहाल एक साल की नहीं, बट कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं जब मेरे मन का खाना बन रहा हुआ करेगा तब। है लाइक चिकन मटन समथिंग ऐसा कुछ। अभी तो जल्दी से भूख लगी। प्याज काटने पकड़ा दूं? नहीं, प्याज नहीं, प्याज नहीं, प्याज। अरे तुम सभा के वो चश्मे लेके बैठ जाना। अरे दे दो मेरे को। हाँ, दे दे, एक ऐसी दो रख दो उसमें। अरे पर ये जल जाएगी, एक अच्छा। मिनट, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई। हाँ, एक्चुअली भूख नहीं लगी हुई है, भूख तो थोड़ा सा पेट भर गया, मेरे को नियत है। सारा खेल तो नियत का ही है ना। हाँ। गरम होगा, होगी पूरी। और ये और एक बस। खीर तो ये ले ली है, खीर बची थोड़ी सी इसमें। और अरे सुनो ना, चाय देख रहे हो आप, ये है मेरी डाइट। जब मैं डाइट नहीं करता हूँ तो, जब मैं कुछ भी खाता हूँ तो, और कल से तो फिर वही चिकन पनीर सैलेड, कोई नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है कि नहीं, लेकिन संडे को मैं सारी भरपाई कर लेता हूँ। तो अभी का आज का दिन खत्म होने आया है, और अभी मैं नीचे गया था अपने फ्रेंड से मिलने, सोसाइटी में हम लोग कुछ देर बैठ। नहीं, क्योंकि लाइट नहीं थी वहाँ पे लाइट नहीं होती, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। लेकिन मैं शाम को जाता हूँ नीचे सोसाइटी में अपने कुछ दो चार फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने हैं, उनसे बैठते हैं, हमको देखना है ना। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़ी सी लाइट नहीं होती, इस वजह से मैंने सोचा कि ख़राब दिखे या दिखे ही ना, आवाज़ ना आए तो उससे बेटर है कि ना बनाओ। तो अभी मैं ऊपर आया हूँ, अभी हम दोनों बैठे हैं, हमारा थोड़ा चिट चैट सेशन का टाइम होता है कि थोड़ा सा हम बैठ के बातचीत करते हैं। जोर से चिट चैट सेशन का टाइम जिसमें ये अपने फ़ोन पे घुसे रहते हैं। हाँ ठीक है, फ़ोन पे भी मैं थोड़े से मैसेजेस चेक करता हूँ, आप सब लोग इतने प्यार भरे मैसेजेस करते हैं, उनको चेक करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई दे सकूँ, वो करता हूँ, तो ठीक है ना। मैं ना अभी आप लोग से एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे रात में कुछ 12:30 के आसपास बज रहे हैं, और इस वक्त हमारी मैडम को भूख लगी है और वो चुपके से किचन में गई है, कुछ बना रही है, तो देखते हैं। जा जा जा। पिपी, क्या बना रही हो? अरे बाप रे, ये देखो इतनी रात में क्या ये? हाँ? आप देख रहे हो क्या क्या क्या? ये देखो, इतनी रात में मैडम को भूख लगी है तो ये क्या बना रही है? पिज्जा अपने लिए। ये इस वक्त कोई पिज्जा इसने दोनों के लिए बन जाए? पर क्यों? मैडम का मन कर गया रात में पिज्जा खाने का, तो 12:30 ये पिज्जा बना रही है। वाह, 4 बजे वेलवेट केक बनाने से तो बेटर। हाँ, एक बार 4 बजे रात में उठ के ऐसे भूत चढ़ गए, क्या क्या हो गया? नहीं, वेलवेट केक बना रही हूँ मैं, रेड वेलवेट केक। कितने बजे रात में? 4 बजे, 4 बजे रात में, सोचो आप। ये है कुकिंग, ठीक है भाई, चलो हम भी खा लेंगे, बना लो। कल से तो फिर खाना नहीं है कुछ, तो हम भी खा लेंगे, चलो ठीक है। देखो, चलो वेट करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है, थोड़ा तो खा के फिर ही सोएंगे, ठीक है? नहीं, चलो। ओहो, तो ये देखिए, ये आ गया है पिज़्ज़ा, बन के रेडी हो गया है। अब कौन कमबख्त होगा जो इतना अच्छा पिज़्ज़ा सामने देखने के बाद नहीं खाएगा? मैं तो भाई इतना कमबख्त नहीं हूँ। अब कल से, खैर 12 बज गया है, डाइट करनी चाहिए, बट ठीक है, कोई नहीं, कल से तो करना ही है उठने के बाद, ये थोड़ा सा टेस्ट तो किया जाएगा डेफिनेटली।
चले शुरू करें। हैप्पी खुश सोचो सोचो अब मैं कैसे डाइट करता हूँ जब ऐसा ऐसा खाना कभी भी रात में मिल जाता है दिन में मिल जाता है। पर मैं बनाती नहीं हूँ जब आप डाइट करते हो, ऐसे मत बदनाम करो मुझे। रात में पिज्जा सामने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, ओहो हो क्या बात है। तो ये था हमारा संडे और इसके बाद हम क्या करेंगे, मास्टर शेफ देखेंगे और हल्दी का दूध पिएंगे इसके बाद। और तो और कल से तो फिर हमें ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ डाइट करना है। तो ये था आज का हमारा पूरा रूटीन आज का। बताइए आप कैसा लगा, एक दिन कोशिश की कि एक दिन शेयर करूँ, अब कभी नेक्स्ट कुछ शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो एज़ यूजुअल लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अल्लाह हाफिज़।